Good morning students, welcome back in BBVN online classes. Today is your EVS class test of chapter 5 and 6. So all the best students, and your test is going to be 10 marks. So let's start. Okay. Question number 1, fill in the blanks. People need to work to dash a living. लोगों को कोई भी वर्क करने की जरूरत क्यों होती है? Dignity of dash is when we respect every kind of work. Number 3, plants and animals needs dash to survive. जो plants और animals होते हैं उन्हें survive करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आपको जो blank दिया हुआ है उसमें जो right answer है उसे fill करना है. Question number 4. इंटरकनेक्ट फूड चेन मेक्स अ, जो फूड चेन होती है, बहुत सारी फूड चेन होती है आपस में जो इंटरकनेक्ट होती है, वो मिलकर क्या बनाती है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको जितने भी ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको राइट आंसर के साथ में फिल करना है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स. आपको ये जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको ट्रू और फॉल्स बताना है. नंबर 1, फार्मिंग रिक्वायर्स नो पर्टिकुलर स्किल्स. जो फार्मिंग होती है, खेती करना होता है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, किसी स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. डिग्निटी ऑफ लेबर डिपेंड्स नॉट ऑन वॉट यू डू बट हाउ यू डू इट. जो डिग्निटी ऑफ लेबर होता है ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या करते हो, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो. आप किसी भी, आप क्या काम कर रहे हो, डिग्निटी ऑफ लेबर इस पर डिपेंड नहीं करता है. डिग्निटी ऑफ लेबर उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप काम को कैसे करते हो. तो इज इट ट्रू और फॉल्स? नंबर 3, अ फूड चेन स्टार्ट विद एन एनिमल्स एंड एंड्स विद अ प्लांट. जो फूड चेन होती है वो एनिमल्स से स्टार्ट होकर प्लांट्स पे खत्म होती हैं. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? नंबर 4, बटरफ्लाइज यूज इकोलोकेशन. जो बटरफ्लाई होती हैं, तितलियाँ होती हैं, वो इकोलोकेशन का यूज़ करती हैं. वो अपने खाने को ढूंढने के लिए या किसी जो इकोलोकेशन होता है उसका यूज़ करती हैं. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? आपको जो नीचे ब्लैंक दिया हुआ है उसमें फिल करना है. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं. इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन वन वर्ड. नंबर 1, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन डेड एनिमल्स. जो एनिमल्स डेड एनिमल पे डिपेंड होते हैं, उनकी बॉडी को खाकर सर्वाइव करते हैं, उन एनिमल्स को किन नाम से जाना जाता है? जो एनिमल्स डेड, मरे हुए जानवरों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें किन नाम से जाना जाता है? आपको वन वर्ड में आंसर देना है. नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. जो एनर्जी का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जो एनर्जी होती है उसका एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन वन वर्ड. आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर वन वर्ड में देने हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1, इट्स वेरी इजी, व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हनी बीज कम्युनिकेट विथ ईच अदर. जो हनी बीज होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए क्या करती है, कैसे करती है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको वन वन सेंटेंस में इनके आंसर देने हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है, एंड सेकंड क्वेश्चन है जो हनी बीज होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरीके से करती हैं. सो आई होप दिस आपके लिए ये टेस्ट बहुत ईजी होगा. एंड यू कैन सेंड योर आंसर थ्रू व्हाट्सएप टिल 5 PM. आपको आज शाम 5 बजे से पहले मुझे इसके आंसर सेंड करने हैं.